नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा रहा हूँ। और ऑब्जेक्टिव किताब जिस से हम लोग जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे थे जिसका नाम है हेल्थ डिजीज एंड न्यूट्रिशन। इसका हम लोग आज पार्ट नंबर सेकेंड पढ़ेंगे। तो दूसरा पार्ट हम इसका चैप्टर नंबर 16 का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 32 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द इमेज ऑफ टीथ ऑफ ए पेशेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द इमेज ऑफ टीथ ऑफ ए पेशेंट। ऑन ऑप्शन ए कॉन्केव लेंस, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स लेंसेज, ऑप्शन सी कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन डी मिरर ऑफ लेन मिरर, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, एल्टीट्यूड सिकनेस इज कॉज्ड एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू। तो एल्टीट्यूड सिकनेस इज कॉज्ड एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू ऑप्शन ए हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन सी लो लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन, ऑप्शन डी हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो एल्टीट्यूड सिकनेस इज कॉज्ड एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 34 है, जीका डिजीज इज कॉज्ड बाई। तो जीका डिजीज इज कॉज्ड बाई ऑप्शन ए वायरस ट्रांसमिटेड बाई एडिस मॉस्किटो, ऑप्शन बी H1N1 वायरस, ऑप्शन सी टिक ट्रांसमिटेड वायरस, ऑप्शन डी द वेरिसेला जोस्टर वायरस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वायरस ट्रांसमिटेड बाई एडिस मॉस्किटो। जीका डिजीज इज कॉज्ड बाई ए वायरस ट्रांसमिटेड बाई एडिस मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई, ऑप्शन ए फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑप्शन बी घी, ऑप्शन सी मीट, ऑप्शन डी येलो योल्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रेश वेजिटेबल। तो फ्रेश वेजिटेबल्स इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन D12। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन के इज द इसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर 37 है, डेफिशियंसी ऑफ फ्लोराइड लीड्स टू विच वन ऑफ द फ्लोइंग हेल्थ प्रॉब्लम। तो डिफिशियंसी ऑफ फ्लोराइड लीड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ प्रॉब्लम, ऑप्शन ए टूथ कैरीज, ऑप्शन बी मॉटलिंग ऑफ टूथ, ऑप्शन सी बेंडिंग ऑफ बोन्स, ऑप्शन डी स्टिफेनिंग ऑफ ज्वाइंट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टूथ कैरीज। तो डिफिशियंसी ऑफ फ्लोराइड लीड्स टू टूथ कैरीज हेल्थ प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 38 है, द एच आई वी वायरस वीकेंस द इम्यूनिटी ऑफ ए पर्सन बिकॉज इट डिस्ट्रॉय। द एच आई वी वायरस वीकेंस द इम्यूनिटी टू ऑफ ए पर्सन बिकॉज इट डिस्ट्रॉय, ऑप्शन ए मास्ट सेल, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन डी लिम्फोसाइट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लिम्फोसाइट। द एच आई वी वायरस वीकेंस द इम्यूनिटी ऑफ ए पर्सन बिकॉज इट डिस्ट्रॉय लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 39 है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, फॉलिंग ऑफ टीथ, फ्रेगाइल बोन्स एंड डिलेड वुंड हीलिंग अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। तो ब्लीडिंग ऑफ गम, फॉलिंग ऑफ टीथ, फ्रेगाइल बोन्स एंड डिलेड वुंड हीलिंग अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन बी। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वासियोर्कर डिजीज इज इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड बाई। तो क्वासियोर्कर डिजीज इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड बाई ऑप्शन ए सफिशियंट कार्बोहाइड्रेट्स बट लेस फैट इन डाइट, ऑप्शन बी सफिशियंट कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स बट डिफिशियंट प्रोटीन्स इन डाइट, ऑप्शन सी सफिशियंट विटामिन बट डिफिशियंट फैट्स इन डाइट, ऑप्शन डी सफिशियंट फैट्स बट डिफिशियंट विटामिन इन डाइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सफिशियंट कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स बट डिफिशियंट प्रोटीन्स इन डाइट। क्वेश्चन नंबर 41 है, मोस्ट वायरसेस डैट इन्फेक्ट प्लांट प्रोसेस। तो मोस्ट वायरसेस डैट इन्फेक्ट प्लांट प्रोसेस ऑप्शन ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए,
ऑप्शन बी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ऑप्शन सी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड आरएनए, ऑप्शन डी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ओनली। तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो मोस्ट वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट प्रोसेस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्वेश्चन नंबर 42 है इन ह्यूमन बॉडी द सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन आर हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड, बट इन कैंसर सेल इन ह्यूमन बॉडी द सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन आर हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड, बट इन कैंसर सेल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ बेनाइग्न एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। ठीक है, तो देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ बेनाइग्न एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय। तो टाइफाइड फीवर क्या होता है, कैसे होता है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी फंगस, ऑप्शन नंबर डी एलर्जी। तो टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 44 है प्रेस बायोपिया इज ए रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन विच अराइजेस ड्यू टू। तो प्रेस बायोपिया इज ए रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन विच अराइजेस ड्यू टू, ऑप्शन ए ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स ओनली, ऑप्शन बी डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस ओनली, ऑप्शन सी बोथ ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, ऑप्शन डी सडन टाइप्स डिसफंक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स एंड आई लेंस। तो प्रेस बायोपिया इज ए रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन विच अराइजेस ड्यू टू, ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन सी बोथ ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। क्वेश्चन नंबर 48 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है कैफीन ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ टी एंड कॉफी इज ए डायुरेटिक। स्टेटमेंट टू है सिट्रिक साइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक। और तीसरा स्टेटमेंट है एस्कॉर्बिक एसिड इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। चौथा है साइट्रिक एसिड इज गुड सब्स्टिट्यूशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इन आवर न्यूट्रिशन। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 3 एंड 4, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 ओनली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 3 ओनली। तो कैफीन ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ टी एंड कॉफी इज ए डायुरेटिक। दूसरा है साइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक। और तीसरा है एस्कॉर्बिक एसिड इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। लिस्ट वन को लिस्ट दो से मिलाना है, तो मैं पहला आपका लिस्ट वन है मेडिसिनल प्रोडक्ट, दूसरा लिस्ट है सोर्स। तो आपका लिस्ट वन और लिस्ट टू का लिस्ट वन में क्यूनाइन, मोरफाइन, पेनिसिलिन और टेट्राकाइसलाइन। लिस्ट दो है पॉपी प्लांट, बैक्टेरियम, सिंकोना, बार्क और फंगस। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए का 3 हो जाएगा, क्यूनाइन आपका है सिंकोना बार्क। ठीक है, मोरफाइन आपका है मोरफाइन पॉपी प्लांट, पेनिसिलिन आपका जो है वो है आपका फंगस, और टेट्रासाइलाइन है आपका बैक्टीरियम। ठीक है, तो क्यूनाइन का सिंकोना बार, मोरफाइन का पॉपी प्लांट, पेनिसिलिन का फंगस और टेट्रासाइलाइन का बैक्टीरियम। क्वेश्चन नंबर 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज बाय वायरस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज बाय वायरस, ऑप्शन ए कॉलेरा, ऑप्शन बी चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी मिसल्स। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉलेरा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज बाई वायरस, कॉलेरा। क्वेश्चन नंबर 48 है वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड। तो वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड, ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी पुणे। तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज जीरो कैल्सिफेरोल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज जीरो कैल्सिफेरोल, ऑप्शन ए विटामिन D2, ऑप्शन बी विटामिन D3, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी विटामिन B6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विटामिन D2। तो विटामिन D2 इज नोन एज गैरोस कैल्सिफेरोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट बॉर्न डिजीज। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट बॉर्न डिजीज, ऑप्शन ए बेरी बेरी, ऑप्शन बी कालाजार, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी प्लैग ग्रो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेरी बेरी इज नॉट ए इंसेक्ट बॉर्न डिजीज। क्वेश्चन नंबर 51 है
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, ऑप्शन ए एटिनॉल जेरोथैलेमिया, ऑप्शन बी टोकोफेरोल बेरी बेरी, ऑप्शन सी साइनोकोबालामिन एनीमिया, ऑप्शन डी इर्गो कैल्सिफेरोल रिकेट्स, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टोकोफेरोल बेरी बेरी। ठीक है, बाकी आपका सब सही मैच है। तो रेटिनॉल जेरोथैलेमिया साइनोकोबालामिन एनीमिया इर्गो कैल्सिफेरोल रिकेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52 नंबर क्वेश्चन है। तो कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, तो इसमें आपको मिलाना है कौन सा करेक्टली सही मिला हुआ है। तो एक तरफ आपका नाम दिया गया इंस्टीट्यूट का, एक तरफ लोकेशन। ठीक है, तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तीसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें से आपको मिलाना है कौन सा पेयर जो है आपका सही है। विच ऑफ द अबव पेयर्स इज आर करेक्टली मैच, ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू एंड थ्री ओनली, ऑप्शन सी वन एंड थ्री ओनली, ऑप्शन डी वन टू एंड थ्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वन ओनली। तो पहला ही आपका सही है, बाकी सब गलत है। तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका मैसूर में, बाकी ये दोनों आपका गलत है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमको लगता है बरेली में शायद है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन आपका कहीं है याद नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, विच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड इज द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी सोर्स। तो विच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड इज द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी सोर्स, ऑप्शन ए फैट्स, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी प्रोटीन्स, ऑप्शन डी स्टार्च। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फैट्स। तो फैट्स कंपाउंड इज द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी सोर्स। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर वाटर बोर्न। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिनबोली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर वाटर बोर्न, ऑप्शन पहला है टाइफॉइड, दूसरा है हेपेटाइटिस बी, तीसरा है ट्यूबरक्लोसिस, चौथा आपका हेपेटाइटिस ए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 4। तो आपका जो है टाइफॉइड और हेपेटाइटिस ए जो है आपका वाटर बोर्न डिजीज है, बाकी ट्यूबरक्लोसिस और हेपेटाइटिस भी आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, ऑप्शन ए बर्ड फ्लू, ऑप्शन बी चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी कॉलेरा मिसल्स, ऑप्शन डी डेंगू। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कॉलेरा मिसल्स। ठीक है, बाकी आपका बर्ड फ्लू, चिकन पॉक्स और आपका जो है डेंगू वायरस से फैलता है। ठीक है, बाकी कॉलेरा और मिसल्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन ए बीट रूट, ऑप्शन बी पोटैटो, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी वीट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन। ठीक है, तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज सोयाबीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है, वैक्सीनेशन इज अवेलेबल अगेंस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट। तो वैक्सीनेशन इज अवेलेबल अगेंस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट, ऑप्शन ए येलो फीवर, ऑप्शन बी टाइफॉइड फीवर, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मलेरिया। तो वैक्सीनेशन इज अवेलेबल अगेंस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, ऑप्शन ए विटामिन बी वन ऑरेंजेस, ऑप्शन बी विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल, आपका विटामिन बी ऑरेंजेस, ऑप्शन बी विटामिन डी वन कॉड लिवर ऑयल, ऑप्शन सी विटामिन ई विट जर्म ऑयल, ऑप्शन डी विटामिन के अल्फा, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी ऑरेंजेस नहीं होगा, बाकी सब आपका सही है। तो विटामिन डी आपका है कॉड लिवर ऑयल, विटामिन ई विट जर्म ऑयल, और विटामिन के आपका अल्फा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV, द ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर्स थ्रू। तो एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV, द ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर्स थ्रू, ऑप्शन ए ईटिंग कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ऑप्शन बी ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी इनहेलिंग पॉल्यूटेड एयर, ऑप्शन डी शेकिंग हैंड एंड इन्फेक्टेड पर्सन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट।
तो एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस एच आई वी, ट्रांसमिशन ऑफ एच आई वी इन्फेक्शन जनरली अकर्स थ्रू ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द डिजीज आर लाइकली टू बी कॉज्ड बाय अंडर कुक्ड फूड है, तो विच ऑफ द डिजीज आर लाइकली टू बी कॉज्ड बाय अंडर कुक्ड फूड, पहला रिंगवर्म, दूसरा स्कैबीज और तीसरा टेपवर्म। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन बी 3 ओनली, ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2 and 3 ओनली। यहाँ पर 3 होगा, ठीक है कट गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 ओनली। तो टेपवर्म डिजीज आर लाइकली टू बी कॉज्ड बाय अंडर कुक्ड फूड है। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक ड्रग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक ड्रग, ऑप्शन ए क्यूनाइन, ऑप्शन बी सल्फा यूनाइडाइन, ऑप्शन सी है क्लोराम्फेनिकोल, ऑप्शन डी है एस्पिरिन, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, मोर देन अबव। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक ड्रग, क्यूनाइन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सल्फा यूनाइडाइन, ऑप्शन सी है क्लोराम्फेनिकोल, ऑप्शन डी है एस्पिरिन, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्लोराम्फेनिकोल, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है आज का जो है पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।